ये प्यारा सा खिलौना संतुलित बैलेंस भी हो सकता है और गोल गोल घूमता है। इसको बनाने के लिए आपको दो कॉफी स्टरर, एक पेन चाहिए जिसके पीछे डेंट हो। सबसे पहले पुराने तार से आप ये एक छोटी सी कठपुतली जैसी बनाइए। ये एक वायरमैन है, इसके दो हाथ हैं, दो पैर है। नोटिस कीजिए कि इसकी पूंछ में एक छोटी सी टेल है, पिविट जैसी है। सबसे पहले आप दोनों पैरों में एक एक कॉफी स्टरर, ये बिल्कुल एक रिफिल जैसा है जिसका छेद छोटा होता है, टाइट फिट हो जाता है इस तार के अंदर। सो दोनों में आप एक एक कॉफी का स्टरर डाल दें। अब इससे इस व्यक्ति के पैर लंबे हो जाएंगे। उसके बाद दोनों कॉफी स्टरर के छोरों पर आप एक एक स्लीव लगा दें, ये बिल्कुल पैर जैसे लगेंगे, टांग और पैर। फिर दोनों पैरों को आप टांगों को थोड़ा सा फेज आउट कर दें जिससे उनके बीच में एक कोण हो। अब अगर आप इस वायरमैन को अपनी उंगली पर टिकाएंगे तो वो संतुलित रहेगा, एकदम बैलेंस रहेगा, क्योंकि उसकी गुरुत्व का केंद्र नीचे हो गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो गई है। आप चाहें तो उसको एक पेन के पिछले हिस्से पे इस तरह से संतुलित भी कर सकते हैं। और आपको बहुत आश्चर्य होगा जब आप इस मॉडल को एक सीलिंग फैन के नीचे रखेंगे, हवा दोनों पैरों से टकराएगी और उससे ये वायरमैन गोल गोल फर फर करके घूमेगा। तो बहुत ही मज़ेदार खिलौना है, संतुलित भी होता है और घूमता भी है।